नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज दिनांक 23 जून 2020। तो इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, एनजीटी ने किस राज्य पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो विच स्टेट हैज द एनजीटी फाइंड 10 लाख। तो यहाँ पर ये 1 लाख नहीं है आपका, 10 लाख है, तो इसको आप 10 लाख कर लीजिएगा। और तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य पर अभी हाल में ही ये 10 लाख रुपए का जुर्माना एनजीटी की तरफ से लगाया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बेंगलुरु के उपनगरीय क्षेत्र बोम सांद्रा के पास स्थित किथिगनहल्ली झील में प्रदूषण फैलाने को लेकर एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने जुर्माना लगाया है। और एनजीटी को हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नाम से जानते हैं, और जिसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और बात यहाँ पे कर्नाटक राज्य की, तो यहाँ के सीएम है बीएस येदियुरप्पा, यहाँ के राज्यपाल हैं बजूभाई वाला, और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किस जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो वेयर हैज द वोल्केनो इरप्टेड? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड ऑप्शन है इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ पोल, फोर्थ ऑप्शन है ग्वाटेमाला। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, ग्वाटेमाला। तो अमेरिकी महाद्वीप में ग्वाटेमाला सिटी के पास दक्षिणी सेंट विंसेंटे पसाया, दक्षिणी सेंट विंसेंटे पसाया के रोडो गांव में यह विस्फोट हुआ है। और यह 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी ग्वाटेमाला पर स्थित है, उसमें यह विस्फोट हुआ है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चीन ने बांग्लादेश को अपने देश में निर्यात में कितने छूट दे दी है? तो हाउ मच एग्जेम्पशन है चाइना अलाउड बांग्लादेश टू एक्सपोर्ट टू देयर कंट्री? तो ऑप्शन है फर्स्ट 57%, सेकंड ऑप्शन है 65%, थर्ड ऑप्शन है 81%, फोर्थ ऑप्शन है 97%। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, 97%। तो अभी चीन ने बांग्लादेश को 97% की रियायत, या कहिए कि टैक्सेस में पूरी तरीके से छूट दी है। और बांग्लादेश चाइना को कोई भी सामान 97% की रिबेट के साथ सेल कर सकेगा। और बात यहाँ पे बांग्लादेश की, तो यहाँ की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, यहाँ की पीएम है शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हामिद। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, ओला इमरजेंसी सर्विसेज किस राज्य ने शुरू की है? तो यहाँ पे विच स्टेट हैज स्टार्टेड ओला इमरजेंसी सर्विसेज? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड केरल, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, तमिलनाडु। तो अभी हाल में ही तमिलनाडु सरकार ने ओला इमरजेंसी सर्विस को शुरू किया है, और यह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है। बात है तमिलनाडु की, तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के सीएम है के पलानी स्वामी, और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत सरकार ने सेना को रक्षा सौदों के लिए कितने करोड़ रुपये की खरीदी की छूट दी है? तो हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज बीन परचेज बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डिफेंस डील? तो यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट 500 करोड़ रुपये, सेकंड ऑप्शन है 700 करोड़ रुपये, थर्ड ऑप्शन है 900 करोड़ रुपये, फोर्थ ऑप्शन है 1500 करोड़ रुपये। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 500 करोड़ रुपये के लिए सडनली यदि सेना को आवश्यकता है तो इमरजेंसी के रूप में रक्षा सौदों की खरीद कर सकती है। और अभी हाल में ही भारत ने रूस से 12 सुखोई विमान खरीदने की डील की है। और अभी अपने यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में बैठक में शामिल होने भी गए हैं विजय परेड के आयोजन पर। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, 2020 के लिए एशिया की विकास दर का अनुमान एडीबी ने लगाया है। तो एडीबी एस्टीमेट एशियाज ग्रोथ रेट फॉर 2020। तो ऑप्शन है फर्स्ट 0.1%, सेकंड ऑप्शन है 0.5%, थर्ड ऑप्शन है 4%, और फोर्थ ऑप्शन है 5.5%। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.1%। तो अभी हाल में ही एडीबी, जिसको हम एशियन
डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, इसने एशिया की विकास दर का अनुमान 0.1% लगाया है। और बात है एडीबी की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसका ऑफिस मनीला फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष है मासासुगु असाकावा, मासासुगु असाकावा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कोविड वन ऐप किसने बनाया है? तो हु क्रिएटेड द कोविड वन ऐप? तो ऑप्शन है फर्स्ट फ्रांस, सेकंड जर्मनी, थर्ड ऑप्शन ब्रिटेन, फोर्थ ऑप्शन है मिस्र। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, जर्मनी। तो अभी हाल ही में कोविड 19 से सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, तो कोविड वन नाम से ऐप जर्मनी ने डेवलप किया है। और इसके पहले भी अभी इटली ने भी एक ऐप बनाया था जिसका नाम था आई फील यू। तो और ये आई फील यू नाम से इटली ने ब्रेसलेट बनाया था। अब जर्मनी ने इस ऐप को कोविड वन नाम से बनाया है। बात है जर्मनी की, तो यहाँ की राजधानी है बर्लिन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। और कोविड 19 से ही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जगह जगह डेली हर देश रिसर्च करके डेवलप कर रहा है। तो अभी अपने देश में, भारत में केरल राज्य के अंदर आईआईटी पलक्कड़ ने अल्ट्रासाउंड मशीन बनाई है, जिसमें क्या फेफड़ों को स्कैन करके और बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस ने भारत को कितने मिलियन यूरो देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 200 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है 300 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है 600 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है 800 मिलियन। तो फ्रांस हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी मिलियंस यूरो टू इंडिया? तो इसके लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट 200 मिलियन। तो अभी हाल में ही फ्रांस ने भारत को 200 मिलियन यूरो देने की पेशकश की है, और यह एम्फन तूफान से प्रभावितों के लिए एक मदद की फ्रांस की तरफ से पेशकश है। और अभी आपको जैसे कि मालूम है कि फ्रांस ने ये पेशकश की है, और जो ये तूफान आया था एम्फन, ये इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य आपके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा थे। तो उसी के सिलसिले में फ्रांस की तरफ से यह घोषणा की गई है। और बात है फ्रांस की, तो इसकी राजधानी है पेरिस, इसकी मुद्रा है यूरो, और यहाँ के पीएम है एडवर्ड फिलिपे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कौन सी ऑफलाइन सर्विसेज शुरू करने जा रही है? तो विच ऑफलाइन सर्विसेज इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस गोइंग टू लॉन्च? ऑप्शन है फर्स्ट ई पास, सेकंड ई विद्या, थर्ड ई मनी, फोर्थ ऑप्शन है EKYC। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 EKYC। KYC जिसको हम नो योर कस्टमर के नाम से जानते हैं, इस सर्विसेज को ऑफलाइन मोड पे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस शुरू करने जा रही है, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO ऋषि श्रीवास्तव है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किसका निधन हुआ है? तो हु हैव डेड रिसेंटली? तो ऑप्शन है फर्स्ट विद्याबेन साय, सेकंड सरोज दुबे, थर्ड ऑप्शन ए बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी दोनों। तो विद्याबेन साय एक ये सोशल वर्कर थी, इनका हाल में ही देहांत हुआ है। और सरोज दुबे ये जनता दल की पूर्व सांसद थी, इनकी इनका इनका भी देहांत हुआ है कैंसर के कारण। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल में ही किस अफ्रीकी देश को UNSC में शामिल किया गया है? तो विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड स्टेट और सॉरी UNSC? तो ऑप्शन है फर्स्ट जिबूती, सेकंड ऑप्शन है केन्या, थर्ड ऑप्शन है सोमालिया, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड केन्या। तो अभी हाल में ही केन्या अफ्रीकी महाद्वीप से केन्या देश को इसमें शामिल किया गया है। बात है केन्या की, तो केन्या की राजधानी नैरोबी और यहाँ की मुद्रा है शिलिंग, केन्याई शिलिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं उहुरु किनियाता, उहुरु किनियाता यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ के पीएम है रायला ओडिंगा, रायला ओडिंगा यहाँ के पीएम है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है फर्स्ट अमित त्रिपाठी, सेकंड ऑप्शन है सोबाटे, थर्ड ऑप्शन है मनीष कुमार, फोर्थ ऑप्शन है सुब्रत राय। तो हु इज द ऑथर ऑफ लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया बुक? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमित त्रिपाठी ने हाल ही में इस बुक को लिखा है। इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अमेजन और बिग बास्केट कंपनी को, बिग बास्केट कंपनी जो कि अलीबाबा का ही उपक्रम है, को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो विच स्टेट हैज अप्रूव द होम डिलीवरी ऑफ लिकर टू अमेजन एंड बिग बास्केट कंपनी? तो ऑप्शन है फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड सिक्किम,
फोर्थ ऑप्शन है इसके लिए मणिपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य ने अभी हाल में ही होम डिलीवरी, शराब की होम डिलीवरी के लिए इन दोनों कंपनियों को मंजूरी दी है। और पश्चिम बंगाल राज्य ही अभी कुछ समय पहले एम्फन तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो बात है यहाँ की पश्चिम बंगाल की, यहाँ की राजधानी कोलकाता और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपिलियरी का अधिग्रहण किसने किया है? तो हु हैज़ एक्वायर्ड मैपिलियरी। तो ऑप्शन है फर्स्ट ट्विटर, सेकंड टिकटॉक, थर्ड फेसबुक, फोर्थ ऑप्शन है व्हाट्सअप। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड फेसबुक। तो फेसबुक ने इस कंपनी का मैपिलियरी टेक्नोलॉजी का हाल में ही अधिग्रहण किया है। और मैपिलियरी एक स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है। और बात यहाँ पे फेसबुक की, तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग द्वारा की गई थी, जो इसके करंट में CEO भी है। और इसका मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। और अभी हाल में ही फेसबुक ने इमोजी नाम की एक कंपनी का भी अधिग्रहण किया था, और फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा नाम से लॉन्च की थी। तो इसी के साथ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य द्वारा 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है? तो विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द 19th ग्रेट जून रिबेलियन डे? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट मणिपुर, सेकंड मिजोरम, थर्ड असम, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मणिपुर। तो अभी हाल में ही इस दिवस को मणिपुर में मनाया गया है, जिसको हम ग्रेट जून अपराइजिंग डे या यूनिटी डे भी कहते हैं। और मणिपुर में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए 18 जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे 18 जून को मनाया जाता है। बात है मणिपुर की, तो यहाँ की राजधानी इम्फाल है, यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह और यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और कुछ और भी फैक्ट्स थे जो आपको बताने थे, वन लाइनर फैक्ट्स में आप नोट कीजिएगा। जैसे अभी हाल ही में फोर्ब्स की जारी सूची में टॉप 10 अमीरों में मुकेश अंबानी को शामिल किया गया, ये 9वें नंबर पे इस समय उस सूची में है। और दिल्ली में 5 दिन का संवैधानिक अवरोध कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अनिवार्य किया गया है। अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो कि सत्येन जी हैं, को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और शहीदों के परिवारों को 50 लाख देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है अभी हाल में ही। और मिजोरम सरकार ने अभी प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की घोषणा की है, 10 किलो चावल देने की घोषणा मिजोरम सरकार की तरफ से की गई है। तो इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है, और 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए आपके सामने हैं। तो इसका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज की वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ किसी प्रकार की क्वेरी और सजेशन के लिए आप कमेंट कीजिए और ईमेल के माध्यम से सूचित कीजिए। इसी के साथ आज के दिन आप लोगों के लिए शुभ रहे। थैंक यू।